हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 नोटिफिकेशन के बारे में, जो 22 अक्टूबर 2019 को आउट हो चुका है। और आज हम इसकी एप्लीकेशन करने की स्टार्ट डेट, एंड डेट, फीस के बारे में, पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो एसएससी सीजीएल की जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो है 22 अक्टूबर 2019 और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 नवंबर 2019 शाम 5 बजे तक। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ी पेमेंट की डिटेल्स के बारे में। तो इसकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 22 नवंबर 2019। तो फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लास्ट डेट तक वेट करते हैं और ऐसा होता है कि साइट हैंग होना स्टार्ट हो जाती है या फ़ी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर एरर शो होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम डेट की। तो टाइप वन का जो एग्ज़ाम डेट है उसे 2-11 मार्च 2020 के बीच रखा गया है, मतलब कि ये भी एक टेंटेटिव डेट है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा टायर वन का वो 2-11 मार्च के बीच में होना है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट टायर टू एंड टायर थ्री की। तो टायर टू एंड टायर थ्री का जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जैसे ही एग्ज़ाम टायर वन का फिनिश होगा उसके बाद ही टायर टू और थ्री का एग्ज़ाम नोटिफाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट टायर फोर की। तो ये भी बाद में ही नोटिफाई की जाएगी और जो इंटरव्यू बिगिन होगा वो भी बाद में ही हमें नोटिफाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल की और ओबीसी की जो एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने रखी है वो 100 रुपीज़, यानी कि जो स्टूडेंट जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर जो स्टूडेंट एससी या एसटी या फिजिकली हैंडीकैप है तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नील है। अब बात कर ले अगर फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी की भी फ़ी 0 है, यानी कि उन्हें भी छूट दी गई है। अब बात कर लेते कि आप कैसे कैसे जो एप्लीकेशन फ़ी है उसे पे कर सकते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन ई चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट दी गई हैं। तो इस बार काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जैसा आप देख सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसके लिए जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और जो एज है मैक्सिमम 30। तो एक बार इसमें और ध्यान देने लायक है, अब जो जनरल कैंडिडेट है उन्हें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा और ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी पोस्ट चूज़ करें, उसके लिए पहले आप एलिजिबिलिटी देख लें अपना कि आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 यानी कि आपको 30 से कम एज होनी चाहिए। और उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपके कोई भी बैचलर, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, कुछ भी आपका बीए या बीएससी होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो उसके लिए इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। वहीं बात कर लेते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए भी मैक्सिमम एज 30 है और जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम है। ऐसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जिसका डिपार्टमेंट जो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो एनी बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम है। ऐसे ही असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, यानी कि बहुत सी पोस्टें दे रखी हैं इस एसएससी सीजीएल के अंदर। और भी देख लेते हैं, जैसे डिविजनल अकाउंटेंट है, इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इसमें देखिए एक जो एलिजिबिलिटी वो लिटिल बिट डिफरेंट है। जैसे अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो ये स्टैटिस्ट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। अब इसमें क्या है, जो इन्होंने बैचलर डिग्री इसमें आपकी होनी चाहिए और इसमें जो 60% मार्क्स मैथ में सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है, यानी कि जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसे नहीं दे सकते हैं। अब जिसके पास 12th में मैथ थी वो वाले बच्चे ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म मेनली फॉर मैथमेटिक्स वालों के लिए है, या अगर आपकी जो डिग्री है वो स्टैटिस्टिक्स में है तो आप तभी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं अदर पोस्ट के लिए। तो मोस्टली सारे पोस्टों में बीए या बीएससी डिग्री यानी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में मांगी है,
बल्कि कुछ ही पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्पेसिफिक पोस्ट उन्होंने मेंशन की, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। बाकी सब में आई थिंक ऑल द पोस्ट में जितनी भी पोस्टें हैं सब में बस बैचलर डिग्री मांगी है। वो आप किसी भी स्ट्रीम के हों तो आप फिलअप कर सकते हैं। अब देख लीजिए जो अप्लाई ऑनलाइन का डेट इसमें दे रखा है वो 22 अक्टूबर, यानी कि 22 अक्टूबर यानी कि आज ही का डेट है 22 अक्टूबर। तो आज से यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म के लिए भी इन्होंने लिंक एक्टिवेट कर दे रखा है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सब लोगों को। तो इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए SSC CGL 2019 के बारे में। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले। इसके लिए इससे पहले अपना जो फॉर्म है उसे फिलअप कर लीजिए ताकि एक आपकी एक टेंशन कम हो जाए, ताकि आप अपना जो दूसरा स्टेप है पढ़ाई का वो आप अपना स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।